Hello learners, in previous lecture we learnt about the lifespan. Okay, we learned about the lifespan, the phases of lifespan and difference between the juvenile phase and reproductive phase. In today's lecture we will start with the reproduction in detail. Now, what is reproduction? Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, offsprings, similar to itself. The offspring grow, mature and in turn produces new offspring. अब देखिए, इस डेफिनेशन को हम अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. आप एक स्टोन को कंसीडर कीजिए और एक बेबी को कंसीडर कीजिए. ठीक है, एक मदर ने एक बेबी को बर्थ दिया है और एक स्टोन है जिसको हमने दो पीसेज में तोड़ दिया है. ठीक है, स्टोन ने भी न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू स्टोन प्रोड्यूस किया है, टूट गया है ना वो दो में, और जो मदर है उसने न्यू बेबी को प्रोड्यूस किया है. तो हम दोनों में कंपेयर करेंगे कि रिप्रोडक्शन कहाँ हुआ. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. सबसे पहली चीज, रिप्रोडक्शन हम वहीं कंसिडर करेंगे जहाँ बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी. स्टोन का टूटना एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन न्यू ऑर्गेनिज्म का बर्थ होना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. तो रिप्रोडक्शन क्या है हमारी? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजिकल नहीं है. इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, जिसमें ऑर्गेनिज्म यंग वंस को राइज देता है, बर्थ देता है. ठीक है, जिनको हम यंग वंस को ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं. सिमिलर टू इट्सेल्फ, अगर एक मदर ने बेबी को बर्थ दिया है तो वो बेबी भी ह्यूमन ही होगा, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा, और वो एग्जैक्टली देखने में अपने पेरेंट्स जैसा होगा. बॉडी की फॉर्म, ठीक है, उनकी बॉडी की जो फॉर्म होगी वो अपने पेरेंट्स जैसी होगी. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? सिमिलर टू इट्सेल्फ. जबकि जो स्टोन है वो टूटेगा, वो किसी भी तरह से टूट जाएगा, दो तीन चार हिस्सों में टूट जाएगा और कहीं से भी इरेगुलर सा कुछ भी हो जाएगा, तो पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा. द ऑफस्प्रिंग ग्रो, ऑफस्प्रिंग ग्रो करेगा, और जो बेबी, मदर ने बेबी को बर्थ दिया है, वो ऑफस्प्रिंग जो है, वो बेबी जो है, वो फर्दर ग्रो करेगा, मैच्योरिटी गेन करेगा, और मैच्योरिटी गेन करने के बाद इन टर्न वो भी न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा. वो भी मैच्योरिटी गेन करने के बाद न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे पाएगा. तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इट्सेल्फ, ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूसेस द न्यू ऑफस्प्रिंग्स. नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फ्यू टर्म्स अबाउट रिप्रोडक्शन और फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. रिप्रोडक्शन जो होती है वो कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज को मेंटेन करके रखती है. फॉर एग्जांपल, अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, अगर न्यू इंडिविजुअल का पैदा होना, बर्थ होना बंद हो जाए, तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. अगर रिप्रोडक्शन ना होती, अगर हम न्यू जनरेशन को बर्थ ना दे पाएँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है, जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है उतने ही रह जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ मैं. अर्थ पे मान लो 5 ह्यूमंस हैं, ठीक है, ये ह्यूमंस है, मान लो अर्थ पे 5 ह्यूमंस है, ठीक है, इनकी ओनली 5 है, और इनकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी इनकी ख़त्म हो गई, तो क्या होगा? ये अपने लाइफ स्पैन आगे लेकर जाएंगे, ठीक है, ये मैच्योर होंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे. रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी हम मान के चल रहे हैं, मान लो इनकी ख़त्म हो गई, मैच्योर होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? सेनेसेंस होगी, डेथ होगी, और डेथ होने के साथ ही इनकी जो, इनकी जो एक पर्टिकुलर प्रेजेंस है अर्थ पे, वो ख़त्म हो जाएगी. अब क्या हुआ? ओनली 5 थे, 5 के 5 मर गए, तो फिर ये पर्टिकुलर स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो गई ना अर्थ से, समझ रहे हो? और अगर ये रिप्रोडक्शन कर पाते तो ये मैच्योर होने के बाद ये न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते, ठीक है, और वो न्यू ऑर्गेनिज़म्स यहाँ पे बन जाते, इनकी सेनेसेंस होती, डेथ होती, और ये ख़त्म हो जाते. लेकिन ये जो न्यू ऑर्गेनिज़म्स आए थे, ये फिर से मैच्योर होते और फिर से और ऑर्गेनिज़म को प्रोड्यूस करते, तो कॉन्टीन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़ मेंटेन रहती है. तो हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन की एक सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये पूरे रिप्रोडक्शन में, कि रिप्रोडक्शन क्या करता है?
कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज को इनेबल करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. नेक्स्ट, द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस. एक ऑर्गेनिज्म की रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसकी हैबिटेट क्या है, वो एयर में रहता है एरियल ऑर्गेनिज्म है या फिर वो पानी में रहता है वो एक्वेटिक है या फिर वो अर्थ के ऊपर रहता है वो टेरेस्ट्रियल है, उसकी हैबिटेट क्या है, किस तरह के हैबिटेट में वो रिप्रोड्यूस अच्छा कर पाता है और प्रेजेंटली उसे किस तरह का हैबिटेट मिल पा रहा है. ठीक है, और उसके ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हैबिटेट. अगर उसे प्रॉपर हैबिटेट मिल पाएगी तभी वो अपनी लाइफ की फिजियोलॉजी को ठीक से आगे ले जा पाएगा और तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा. और इंटरनल फिजियोलॉजी, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिक है बहुत बीमार है तो बॉडी की प्रायोरिटी क्या होगी, रिप्रोडक्शन बॉडी की प्रायोरिटी नहीं होगी उस टाइम पर. बॉडी की प्रायोरिटी होगी कि खुद को बचा के रखना, अपने ऑर्गन्स को ठीक से काम करवाना. अगर कोई बीमार है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इट्स इंटरनल physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. Now, next is reproduction is of two type. अब हम reproduction के type पढ़ेंगे. Reproduction दो तरह की होती है, asexual reproduction और sexual reproduction. Asexual, a word हम कहाँ use करते हैं, जब हम किसी चीज़ का opposite लेते हैं वहाँ हम a word use करते हैं. तो हमने sexual के आगे a word लगा दिया है, as in वो reproduction का वो method जहाँ पे sexual act involve नहीं होगा वो asexual होगी. और अगर sexual act involve नहीं होगा तो single parent होगा जो next generation को लेकर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका मतलब सेक्सुअल एक्ट इन्वॉल्व होगा तो दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, उनके कंबाइन होने से नेक्स्ट जनरेशन आएगी. नाउ वी विल स्टडी द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम वन डिटेल. व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, जब एक सिंगल पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन आएगी. ठीक है, एक ही पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी, सेक्सुअल एक्ट की ज़रूरत नहीं है, दूसरे पेरेंट की ज़रूरत नहीं है. विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट, इसमें गैमिट की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. हो सकता है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म एक गैमिट बनाए और वो गैमिट आगे जाकर ग्रो कर जाए. ठीक है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म गैमिट बनाए लेकिन उस गैमिट को फर्टिलाइजेशन की या फिर फ्यूज़ होने की, मेल गैमिट फीमेल गैमिट से जैसे फ्यूज़ होता है ना, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए फीमेल ने एक फीमेल का गैमिट बनाया और वही फीमेल गैमिट आगे ग्रो कर गया, उसे फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये वो वाला केस है. तो विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, हो सकता है वो गैमिट बनाए, हो सकता है वो गैमिट ना बनाए, ऑर्गेनिज्म खुद ही डिवाइड कर जाए. ठीक है, एसेक्सुअल में दोनों तरीके हो सकते हैं, गैमिट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता. जब गैमिट नहीं बनेगा तो पेरेंट बॉडी खुद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, और जब गैमिट बनेगा तो पेरेंट बॉडी छोटे छोटे गैमिट बनाएगी और वो गैमिट मैच्योर हो जाएंगे. विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल. इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल. इसके लिए एक और नाम है apomixis, it is also known as apomixis. Now, in asexual reproduction, only one parent is required. ये characteristics हैं asexual reproduction की. Asexual reproduction में सिर्फ single parent required होगा. There is no formation or fusion of gamete. ठीक है, जो gametes हैं उनकी formation और fusion नहीं होगी. ठीक है, gamete की फॉर्मेशन किसी किसी एक्सेप्शनल केस में कभी हो भी जाती है, लेकिन फ्यूज़न तो एटलीस्ट बिल्कुल कभी नहीं होगा. इट इन्वॉल्व ओनली माइटोटिक डिवीज़न, यहाँ मियोसिस नहीं होगा. मियोसिस क्या करता है, 2n को n में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज़ क्रोमोसोम के डबल सेट को सिंगल सेट में कन्वर्ट कर देता है. लेकिन माइटोसिस में जितना पेरेंट के पास गैमीट होता है, क्रोमोसोम का नंबर जितना होता है, माइटोटिक में वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा. तो इट इन्वॉल्व ओनली द माइटोटिक डिवीज़न, यहाँ मियोसिस नहीं होगा गैमीट के टाइम पे, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे या फिर नेक्स्ट जनरेशन के टाइम पे मियोसिस नहीं होगी. मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे. न्यू ऑर्गेनिज्म्स डेवलप्स फ्रॉम सोमेटिक पार्ट ऑफ द पेरेंट, और न्यू ऑर्गेनिज्म जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमेटिक पार्ट से डेवलप करेगा, ये सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन है. ठीक है, जब गैमिट फॉर्मेशन हो ही नहीं पा रही है, गैमेटिक फ्यूजन हो ही नहीं पा रही है, तो सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन होती है ये. नेक्स्ट, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल एंड दे आर कॉल्ड क्लोन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लोन. क्लोन क्या होता है, जो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी हो वो होता है क्लोन.
और हमारी बॉडी के सारे फीचर्स को कौन डिटरमाइन करता है? डीएनए। ठीक है, हमारे बॉडी के सारे फीचर्स को डीएनए डिटरमाइन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखिए कि ये डीएनए है किसी ऑर्गेनिज्म का, ये डीएनए है, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, इसमें माइटोटिक डिवीज़न हुई, मियोसिस नहीं हुई, माइटोसिस हुई है, न्यू किसी ऑर्गेनिज्म ने इस ऑर्गेनिज्म के साथ फ्यूज़ नहीं किया है, तो जो डीएनए यहाँ है एग्जैक्टली वही डीएनए यहाँ आएगा क्योंकि माइटोसिस हुई है, मियोसिस नहीं हुई है। मियोसिस का केस होता तो इस पेरेंट का डीएनए था, इस दूसरे पेरेंट का डीएनए था, इसका क्रोमोजोम का सेट हाफ होता, दो गैमेट्स बनते, इसका भी क्रोमोजोम का सेट हाफ होता, दो गैमेट्स बनते, ये 2n से n बनता, n n, यहाँ भी ये 2n से n n बनता, फिर ये n और ये n कंबाइन होता, फर्टिलाइजन होती और ये फर्टिलाइजेशन से ये 2n वाला न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता। अब इस 2n के अंदर एक सेट इस पेरेंट से आया था क्रोमोसोम का और एक सेट इस पेरेंट से आया था क्रोमोसोम का, तो दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते, तो ये एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट की नहीं होता, ये आधा इसके जैसा है आधा इसके जैसा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लोन नहीं बनता उनका। लेकिन एसेक्सुअल के केस में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, जो डीएनए इनके पास था वो यहाँ पे आया, ठीक है, और वही डीएनए यहाँ पे आया। अब इस केस में क्या होगा, जो ये डीएनए है ये एग्जैक्टली वही है जो यहाँ है और एग्जैक्टली वही है जो यहाँ है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्लोन होंगे, ये दोनों भी एक दूसरे के क्लोन होंगे और ये दोनों भी एक दूसरे के क्लोन होंगे। इन केस ये तीनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पे क्लोन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्लियर है सबको? अब देखिए यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल एंड दे आर कॉल्ड क्लोन्स। क्लियर टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ रैपिड एंड लेस एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। जब सेक्सुअल एक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा तो एनर्जी की कंजम्पशन बहुत कम होगी। सेक्सुअल एक्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है और वो थोड़ी स्लो प्रोसेस रहती है, लेकिन अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। तो ए सेक्सुअल में सेक्स इन्वॉल्व नहीं है तो ये क्या बोलेगा, इट इज़ अ रैपिड, ये बहुत जल्दी होगा, ये बहुत रैपिड प्रोसेस होगी, बहुत लेस एनर्जी कंज्यूम होगी इस प्रोसेस में। नाउ लोअर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसेस, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो जू स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास है वो जू स्पोर्स बनाता है, पेनिसिलियम है वो कोनीडिया बनाते हैं। तो लोअर ऑर्गेनिज्म ऐसे ही अपने स्पोर्स बनाते हैं, जिन इन स्पोर्स को हम एक्चुअल में ये बोल देते हैं, गैमिट्स बोल देते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, ये स्पोर्स बनाएंगे, इनके थ्रू ही रिप्रोडक्शन होगी और सिंगल ऑर्गेनिज्म है ये, ध्यान रखिएगा कि जो जू स्पोर्स हैं कोनीडिया हैं ये उसी ऑर्गेनिज्म से, सिंगल ऑर्गेनिज्म से बने हैं, कि कोई और पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ है। नाउ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स। प्रोटिस्ट और मोनेरन्स बिल्कुल सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, सबसे पहली फाइलम्स हैं, सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइलम्स नहीं सॉरी किंगडम है, सबसे पहले किंगडम है, तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ वो हैं आपके पास प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स। द प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिजम्स और द पेरेंट सेल डिवाइड, ऑर्गेनिज्म या फिर पेरेंट सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा इंटू टू, एक है दो में डिवाइड कर जाएगा, गिव राइज टू टू इंडिविजुअल्स। दस इन दीज ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन इज इट सेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन हुई उसी को हमने रिप्रोडक्शन बोल दिया। एक सेल था, इनके इन ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, एक सेल था वो दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होगा। अब ये इक्वल में भी डिवाइड हो सकता है, अनइक्वल में भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती, बस ये दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोल देते हैं इनको, कि ये सेल डिवीज़न का जो मोड था यही इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जो ये दो ऑर्गेनिजम्स बने हैं ये ग्रो करेंगे, ठीक है, ये मैच्योर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और फिर फर्दर ये भी दो में डिवाइड कर जाएंगे, फिर ऐसे ही साइकिल कॉन्टीन्यूटी में चलती जाएगी। टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, दस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इट सेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स
रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, जैसे आपका अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, इनमें जो डिवीज़न होती है वो पार्टिकुलर होती है एज इन बाइनरी फिशन होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर दो इंडिविजुअल में पेरेंट बॉडी डिवाइड होगी। मैंने आपको पहले बोला था कि ऐसा हो सकता है कि प्रोटिस्ट एंड मोनरेंस का जो मैंने नॉर्मल सा केस बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक से दो में डिवाइड हो जाता है, ये इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन हम अगर स्पेसिफिकली बात करें अमीबा और पैरामीशियम की तो इसमें क्या होता है कि बाइनरी फिशन होता है, पेरेंट बॉडी एग्जैक्टली सिमिलर टाइप की दो बॉडीज में, सिमिलर साइज की दो बॉडीज में डिवाइड होती है, वेयर अ सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। नाउ इन यीस्ट, यीस्ट के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? द डिवीज़न इटसेल्फ इज अनइक्वल। यीस्ट के केस में जो डिवीज़न होती है, द डिवीज़न इज अनइक्वल, डिवीज़न अनइक्वल होती है एंड स्मॉल बर्ड्स आर रिप्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट बॉडी, इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मेच्योर इंटू न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यीस्ट के केस में क्या होगा, मैं एक ऐसी एग्जाम्पल से ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये यीस्ट की मान लो एक हाइफल ब्रांच है, इसमें क्या होगा, यहाँ से कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, यहाँ से कंस्ट्रिक्शन होगी और ये ऐसे पेरेंट बॉडी, ये ऐसे, फिर यहाँ से एक और ये ग्रो करेगी ऐसे, ये और ऐसे ग्रो करेगी ऐसे। अब हुआ क्या है, अनइक्वल स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड, ये छोटी छोटी स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होंगी जो अनइक्वल हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है कोई और बड़ी है, ठीक है, अनइक्वल स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होंगी एंड रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट बॉडी, इनिशियली ये छोटी छोटी बर्ड्स अटैच होंगी, प्रोड्यूस होंगी, इनिशियली ये पेरेंट बॉडी से अटैच रहेंगी, ये पेरेंट बॉडी है, इनिशियली ये पेरेंट बॉडी से अटैच रहेंगी, इनिशियली टू द पेरेंट बॉडी विच इवेंचुअली, और थोड़े टाइम बाद इवेंचुअली क्या होगा, ये सेपरेट आउट हो जाएंगी एंड मैच्योर इंटू न्यू यीस्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, थोड़े टाइम बाद ये अलग हो जाएगी ऐसे, ये अलग हो गई ऐसे, आ गई ये यहाँ पे, ये ऐसे आ गई, और इसको जहाँ भी सूटेबल सरफेस मिलेगी ये उस सरफेस पे ग्रो कर जाएगी, ठीक है। तो यीस्ट में क्लियर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, अनइक्वल बर्ड्स प्रोड्यूस होंगी जो इनिशियली पेरेंट बॉडी से अटैच रहेंगी, इवेंचुअली ये अलग हो जाएंगी, अलग होने के बाद जब इन्हें रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट मिलेगा, एक रिक्वायर्ड सरफेस मिलेगी, वहाँ पे ये ग्रो कर जाएंगी इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। नाउ मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई, अब हम बात करेंगे फंजाई की। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो फंजाई होती है और जो कुछ सिंपल प्लांट्स हैं, जैसे हम एल्गी, सबसे सिंपल टाइप का प्लांट एल्गी होती है, ठीक है, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके कुछ स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं फंजाई के केस में एंड एल्गी के केस में। अब हम उन स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। ये देखिए जो मैं ये बात कर रही हूँ आपको, स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं ज़ूस्पोर, क्लैमाइडोमोनास ज़ूस्पोर से, पेनिसिलियम कोनिडिया से, ये वही स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म के पास ही के अंडर ही आ रहा है। लोअर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, फंजाई और एल्गी। अब देखिए नाउ ज़ूस्पोर्स, दीज आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड ध्यान रखिएगा, ये जो ज़ूस्पोर्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक हैं, आपको माइक्रोस्कोप से ही नज़र आएंगे, नेक्ड आइज से नज़र नहीं आएंगे। ज़ूस्पोर्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये हैं आपके ज़ूस्पोर, ये बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं और फ्लैजिलेटेड हैं, ये फ्लैजिला है, हेयर लाइक एक्सटेंशन, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। और ये जो हेयर लाइक एक्सटेंशन है ये विपिंग मूवमेंट ऐसे से, ये इस टाइप की मूवमेंट देती है, और जब ये इस टाइप की मूवमेंट कोई भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देगा तो वो क्या करेगा, इसको प्रोपेल करेगा, एज इन इसकी मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा, तो ये फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी मूवमेंट के लिए, स्पोर की मूवमेंट के लिए। और ज़ू वर्ड हम वहां यूज करते हैं जो मोटाइल होता है, एनिमल्स के लिए हम ज़ू वर्ड इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि एनिमल मूव कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पोर मूव कर सकता है इसलिए हमने इसको क्या बोला, ज़ू स्पोर, मूव करने वाला स्पोर, और ये मूव कर सकता है इस फ्लैजिला की वजह से। दीज आर माइक्रोस्कोपिक फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ज़ूस्पोरेंजिया, ठीक है,
ये पूरा का पूरा जूस्पोरेंजिया है। दीज आर विदाउट रेजिस्टेंट कवरिंग, ये जो जूस्पोर्स होते हैं इन पे कोई रेजिस्टेंट कवरिंग नहीं होती, ये नेक्ड होते हैं और डिस्पर्स किए जाते हैं। डिस्पर्स कैसे होते हैं? स्विमिंग से डिस्पर्स किए जाते हैं, स्विमिंग के मेथड से। दीज आर फॉर्म्ड इन सर्टेन एल्गी, एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स में जूस्पोर्स बनते हैं, फंजाई में जूस्पोर्स बनते हैं, एल्ब्यूगो में जूस्पोर्स बनते हैं। फंजाई जो होती है आपकी, एल्ब्यूगो एक एग्जाम्पल है उसका, उसमें बनते हैं। दूसरी चीज क्लैमाइडोमोनास। अब देखिए जूस्पोर और स्पोरेंजिया का एग्जाम्पल आप एक मूंगफली कंसीडर कीजिए, ठीक है। मूंगफली के छोटे छोटे दाने होते हैं, एक बड़ी मूंगफली होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से मैं एक रफली ऐसे ही बना रही हूँ, ये एक मूंगफली का कवर है, लकड़ी वाला जो वुडन कवर होता है मूंगफली का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? मूंगफली के छोटे छोटे दाने होते हैं। अब ये जो मूंगफली के छोटे छोटे दाने हैं, ठीक है, अगर मैं इस वुडन कवर को ब्रेक कर दूं, मूंगफली को खोल दूं, तो ये दाने ऐसे निकल आएंगे ना बाहर। ये मूंगफली का वुडन कवर क्या था? प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, जिस मूंगफली के दानों को अंदर बचा कर रख रही थी धूप से, बारिश से, पानी से, इस टाइप की हर चीज़ों से इन दानों को प्रोटेक्ट कर कर रख रही थी वो लकड़ी जैसी, जो वुडन सी जो कवरिंग थी मूंगफली के बाहर, ठीक है। इसी तरह जैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं जस्ट ये, जैसे ये मूंगफली के बाहर वाली कवरिंग थी, इसी तरह जूस्पोरेंजियम होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग। इसके अंदर जूस्पोर्स होते हैं, जैसे इसके अंदर ये हैं, ठीक है, ये जूस्पोर्स होते हैं। अब ये जो जूस्पोर्स हैं, जूस्पोर्स के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, मूंगफली के दानों के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, ठीक है। मूंगफली के दाने जिस कवर में थे, बस वो कवर था, वो कवर टूट गया, दाने बाहर आ गए, तो अब उनके पास कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। बारिश होगी वो भीगेंगे भी, धूप लगेगी वो सूखेंगे भी, ठीक है। ऐसे ही ये जो जूस्पोर्स होते हैं, जब तक ये बॉडी के प्लांट के अंदर या फंजाई के अंदर बन रहे हैं, तब तक ये जूस्पोरेंजियम के अंदर हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर हैं। एक बार ये सब मैच्योर हो गए, जूस्पोरेंजियम बर्स्ट हो गया, जूस्पोर्स बाहर निकल गए, अब उन जूस्पोर्स के पास कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं बची है। दीज आर विदाउट रेजिस्टेंट कवरिंग, ये अब ये नेक्ड हैं, डिस्पर्स बाय स्विमिंग, स्विमिंग से डिस्पर्स होंगे, ये फ्लैजिलेटेड मूवमेंट से ये स्विमिंग करेंगे। दीज आर फॉर्म्ड इन सर्टेन एल्गी, एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, फंजाई, एग्जाम्पल एल्ब्यूगो एंड क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखेंगे, कोनिडिया, ठीक है। पेनिसिलियम जो होता है उसमें, एस्परजिलियस एंड पेनिसिलियम में कोनिडिया जो होते हैं बहुत क्लियर बनते हैं, हम एग्जांपल उसी का लेकर चलेंगे। कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, कोनिडिया जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल हैं तो इसका मतलब उन पे कोई भी फ्लैजला नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कोनिडिया आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल हैं तो इनके पास फ्लैजला नहीं होगा, क्लियर। प्रोड्यूस्ड सिंगली, हो सकता है ये एक ही बने या फिर चेन्स में बने, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के बनते हैं, ठीक है। और इन चेन बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टिप्स ऑफ स्पेशल हाइफल ब्रांचेस, स्पेशल हाइफल ब्रांचेस की टिप्स पे कंस्ट्रक्शन होती हैं, उससे बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर्स। दीज आर डिस्पर्स बाय विंड, कोनिडियोफोर्स अब खुद तो मूव कर नहीं सकते, तो उनको मूव करने के लिए विंड रिस्पॉन्सिबल होती है, हवा चलती है उसी से ही वो डिस्पर्स हो पाते हैं। आफ्टर डिस्पर्सल कोनिडिया जर्मिनेट बाय गिविंग आउट जर्म ट्यूब, डिस्पर्सल के बाद जो कोनिडिया होते हैं वो जर्म ट्यूब बनती है उनमें। दीज आर फॉर्म्ड इन एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। अब देखिए, इसका हम पहले डायग्राम देखेंगे, तब आपको ये एक बार फिर से रीडिंग लगाएंगे, फिर ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। यहाँ देखिए, ये कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम है, ये है हमारे पास कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। ये इसका माइसीलियम है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये बेस में होते हैं इसके, इसके ऊपर ये स्पेशल हाइफल ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये इसका हाइफा है, ये हाइफल ब्रांचेस हैं, ये बहुत सारी हाइफल ब्रांचेस आ रही हैं। अब देखिए, ये कोनिडियो फोर्स आए माइसीलियम से कोनिडियो फोर्स डेवलप हुए। इन कोनिडियो फोर्स की, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर रही हूँ, इन कोनिडियो फोर्स की कंस्ट्रक्शंस होंगी, ये यहाँ से सरफेस से ऐसे कंस्ट्रक्ट कर जाएगा, फिर और ऐसे कंस्ट्रक्ट कर जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब पूरा कोनिडियो फोर ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शंस होती रहेंगी, समझ रहे हो। ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं, स्मॉल कंस्ट्रक्शंस, यही ये वाली कंस्ट्रक्शंस हैं,
समझ रहे हो, ये यहाँ से और ऐसे होगा, फिर ये यहाँ से और ऐसे होगा, तो ये चेन बड़ी 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 होती जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप एक बार फिर से समझ आ रहे हैं ये कंस्ट्रक्शंस कैसे बात कर रहे हो। ये जो एक कोनिडियो फोर है उसकी जो टिप है वहाँ पे इस तरह से कंस्ट्रक्शंस होती जाएंगी। ठीक है, वो ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो ये कोनिडिया बनते गए। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से जरा आप यहाँ पे रीडिंग लगाइए। कोनिडिया आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल हैं, फ्लैजेला नहीं है उनके पास। नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस सिंगली और इन चेन्स, एक के बाद एक के बाद एक ये जो हैं वो चेन्स में होंगे, ये एक दूसरे के साथ जस्ट अपनी सरफेस से एडहियर होंगे, तो ये चेन्स में होंगे। ठीक है, थोड़े टाइम तक ये अटैच रहते हैं, उसके बाद ये अलग हो जाते हैं। चेन्स बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टिप ऑफ स्पेशल हाइफल ब्रांचेस कॉल्ड कोनिडियोफोर्स, दीज आर डिस्पर्स बाय विंड, आफ्टर डिस्पर्सल कोनिडिया जर्मिनेट एंड बाय गिविंग आउट जर्म ट्यूब। नेक्स्ट जो हमारे पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ए सेक्सुअल में, जो सिंपलर ए टाइप की ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है सबसे लोअर ऑर्गेनिजम्स में, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट टाइप का है हमारे पास बड। बड क्या होती है, एक आउटग्रोथ होती है बॉडी से, एक आउटग्रोथ, एक एक्सटेंशन बॉडी से निकली, एक आउटग्रोथ बॉडी से निकली, या फिर इन ग्रोथ। बड आपकी एक चीज़ ध्यान रखना, बड आउट ग्रोथ भी हो सकती है और इन ग्रोथ भी हो सकती है, मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर बड टूट के निकले ऐसा भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बड बन रही हो ऐसा भी हो सकता है। तो बड इन ग्रोथ भी हो सकती है, आउट ग्रोथ भी हो सकती है। और एन बड डेवलप ऑन एन पेरेंट बॉडी विच आफ्टर अटेनिंग स्पेसिफिक साइज, और जैसे ही वो बड एक पर्टिकुलर साइज अटेन करेगी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, टूट जाएगी, अलग हो जाएगी और ग्रो कर जाएगी इंडिपेंडेंटली। ठीक है, समझ आ रहे क्या बोल रहे हो, कि ये पेरेंट बॉडी है यहाँ से एक छोटी सी बर्ड ग्रो करेगी। ठीक है, और ये बर्ड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ से टूट जाएगी और फिर ये पेरेंट बॉडी ऐसी की ऐसी रह गई, प्लस ये जो बर्ड थी ये ऐसे अलग हो गई और ये बर्ड किसी और सरफेस के मिलते ही बड़ी हो जाएगी। तो पेरेंट बॉडी वैसी की वैसी रही, फॉर एग्जाम्पल प्लांट में ब्रांच में से एक और ब्रांच निकल आती है ना, जस्ट ऐसे वो भी बर्ड्स होती हैं प्लांट में। ठीक है, उसी को हम बडिंग बोलते हैं। देखिए एन आउटग्रोथ और इनग्रोथ और इनग्रोथ और अ बर्ड डेवलप ऑन अ पेरेंट बॉडी विच आफ्टर अटेनिंग स्पेसिफिक साइज डिटैचेस, एक पर्टिकुलर साइज अटेन करने के बाद पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, टूट जाएगी एंड ग्रो इंडिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली ग्रो कर जाएगी। एग्जाम्पल्स हैं स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में आपके पास बडिंग होती है, सीलेंट्रेटा उसमें बडिंग होती है, एनालिड्स में बडिंग होती है, ट्यूनिकेट्स में बडिंग होती है एंड यीस्ट एंड फंजाई। ठीक है, हम अभी यहाँ पे एक हमने यहाँ पे इन ग्रोथ एंड आउट ग्रोथ की बात करी है, अब हम एक आउट ग्रोथ बडिंग का एग्जाम्पल लेंगे, एक इन ग्रोथ बडिंग का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, अब देखिए